खबर मसूरी से है, जहां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के सरकारी क्वार्टर में 22 वर्षीय कर्मचारी का शव फंदे से लटका मिला। हैरानी की बात यह है कि कर्मचारी ने साड़ी पहन रखी थी और मेकअप भी कर रखा था। पुलिस ने यौन डिसऑर्डर समेत तमाम पहलुओं पर जांच भी शुरू कर दी है। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी के मुताबिक 22 वर्षीय युवक मूल रूप से श्रीनगर गढ़वाल के उफरडा का रहने वाला था। 1.5 साल पहले अनुकूल की अकेडमी में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर नौकरी लगी थी। वो हैप्पी वाली स्थित सरकारी क्वार्टर में रह रहा था। गुरुद्वार को जब युवक ड्यूटी पर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश की गई। स्टाफ ने उसका कमरा अंदर से बंद पाया। पुलिस के पहुंचने के बाद कारपेंटर ने दरवाजा तोड़ा। अंदर साड़ी पहने युवक का शव रस्सी के फंदे पर लटक रहा था। उसने महिलाओं जैसा मेकअप भी कर रखा था। मसूरी से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सूचना मिली कि जो एमटीएस जो मल्टीटास्क सर्विस में ना ही वो अपने जो रूम है उसका कोई आवाज अंदर से आ रही है। सूचना पे पुलिस गई वहाँ पर तो देखा है अंदर से ताला लगा था, उसका ताला खुलवा के फिर अंदर गए तो उसने साड़ी में पूरे श्रृंगार में हैंगिंग रखा था। खुलवा गया उसके लिए कार्रवाई पंचायत में करी है।